ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 25वां अध्याय, सप्तम स्कंद, गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, कुछ ब्राह्मणों की निष्ठा कर्म में, कुछ की तपस्या में, कुछ की वेदों के स्वाध्याय में और प्रवचन में, कुछ की आत्मज्ञान के संपादन में तथा कुछ की योग में होती है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि श्राद्ध अथवा देव पूजा के अवसर पर अपने कर्म का अक्षयफल प्राप्त करने के लिए ज्ञाननिष्ठ पुरुष को ही हव्य कव्य का दान करें। यदि वह न मिले तो योगी प्रवचनकार आदि यथा योग्य को यथाक्रम में दान देना चाहिए। देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 अथवा दोनों में एक एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अत्यंत धनी होने पर भी श्राद्ध में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। देखो, कहा जाता है ना कि ये लोग कहते हैं कि श्राद्ध में जो है ये इतने ब्राह्मणों को खिलाओ, इतने ब्राह्मणों को खिलाओ। यहाँ पे साफ भागवत गीता में कहा गया है, भागवत महापुराण में कहा गया है, द्वये देव पितृकार्ये त्रिनेकैक मुभयत्रय वा भोजियेत सममृद्धो अपि श्रद्धे कुर्यानन विस्तारम। अर्थात श्राद्ध कार्य में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए लोगों को भोजन कराने के लिए, क्योंकि सगे संबंधी आदि स्वजनों को देने और विस्तार करने से देश कालोचित श्रद्धा पदार्थ पात्र और पूजन आदि ठीक ठीक नहीं हो पाते। देश और काल के प्राप्त होने पर ऋषि मुनियों के भोजन कराने योग्य शुद्ध हविष्ययान भगवान को भोग लगाकर श्रद्धा से विधिपूर्वक योग्य पात्र को देना चाहिए। वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और अक्षय होता है। देवता, ऋषि, पितर, अन्य प्राणी, स्वजन और अपने आप को भी अन्न का विभाजन करने के समय परमात्मा स्वरूप ही देखें। इसका मतलब ये है कि जब भी आपके पास कुछ आता है तो उसको दान करें और दान का विभाजन इस तरह से करें कि जब आप अपने शरीर को भी दे रहे हैं तो वो भी परमात्मा स्वरूप है, अपने जो गरीब रिश्तेदार हैं उनको अगर आप दे रहे हैं तो उन्हें भी परमात्मा स्वरूप होकर दें। कहीं आई कोई कमज़ोर है आपको, जहां आप दान कर रहे हैं वहाँ भी परमात्मा स्वरूप के, परमात्मा ने आपको एक अवसर दिया दान करने का उस स्वरूप में। कहीं आप मंदिर में दान करते हैं, कहीं पूजा स्थल में दान करते हैं, तो वहाँ पे ये देखिए कि परमात्मा स्वरूप, वो ब्राह्मण को, ऋषि को, मुनि को, सब में परमात्मा को देखते हुए दान करना चाहिए। कभी ये भावना नहीं आनी चाहिए कि मैंने उसको दान दिया, यानी परमात्मा का, परमात्मा में आपको नियमित बनाया गया है, तब दान का पूरा लाभ हमें मिलता है। धर्म का मर्म जानने वाला पुरुष श्राद्ध में मांस का अर्पण न करे और न ही स्वयं उसे खाए, क्योंकि पितरों को, ऋषि मुनियों के योग्य हविष्यान जैसी प्रसन्नता होती है वैसी पशु हिंसा से नहीं होती। यानी कि हमारे यहाँ मांस खाने को, जीवों की हत्या को मना किया गया है कि क्योंकि इससे जो है पितरों को खुशी नहीं मिलती, देवताओं को खुशी नहीं मिलती, क्योंकि सभी में उस परमपिता परमेश्वर का जब अंश है, तो अगर आप क्रूरता करते हैं तो आप कहीं ना कहीं उस परमपिता परमेश्वर के प्रति क्रूरता कर रहे हैं। इसी तरह से को ये इसमें कहा गया है कि अधर्म की 5 शाखाएं हैं, विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। धर्मज्ञ पुरुष अधर्म के समान ही इनका भी त्याग कर दे, किसी भी तरह का अधर्म हो। जिस कार्य को कर्म बुद्धि करने पर भी अपने कर्म में बाधा पड़े, जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े वह विधर्म है। यानी कि ऐसी धर्म बुद्धि है और आपका धर्म, आपका जो धर्म है उसे नहीं कर पा रहे उस बुद्धि से, तो वो विधर्म है। किसी अन्य द्वारा अन्य पुरुष के लिए उपदेश को किया हुआ धर्म पर धर्म है। यानी कि किसी भी किसी ऋषि मुनि ने किसी और को वो उपदेश किया कि तुम ऐसे करो और आपने उसकी नकल उतार दी, तो वो क्या हो गया? पर धर्म। पाखंड या दंभ का उपधर्म अथवा उपमा है। पाखंड या दंभ का नाम उपधर्म या हम उपमा कहते हैं, जो पाखंड लोग करने लगते हैं कि ये करो, यहाँ घंटा बजाओ, वहाँ अगरबत्ती जलाओ, वहाँ धूप बत्ती जलाओ, वहाँ ऐसे कर लो, वहाँ ऐसे कर लो, इतना दान यहाँ दे दो, ये सब पाखंड हो गया। शास्त्रों के वचनों का दूसरे प्रकार का अर्थ कर देना छल है। यानी कि शास्त्रों में बात कही गई कुछ और हमने बना दी कुछ, ये छल हो गया। मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत स्वेच्छा से
जिसे धर्म मान लेता है वह आभास कहलाता है, और अपने अपने स्वभाव के अनुकूल जो वर्णाश्रमोचित धर्म है वो भला किसे शांति नहीं देते, अर्थात सभी को शांति देते हैं। यानी कि वर्णाक्रम, यानी कि मेरी जैसे वृत्ति सेवा करने की है तो मैं सेवा करूं, अगर मेरी वृत्ति सेवा करने की है और मैं बिजनेस करूंगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, नुकसान हो जाएगा। मेरी वृत्ति अगर व्यापार करने की और मैं सेवा करूंगा तब भी नुकसान हो जाएगा। मेरी वृत्ति रक्षण की है, क्षत्रिय धर्म निभाने वाली, और अगर मैं उसके खिलाफ कुछ और काम करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये है, अपनी वृत्ति के अनुसार हमें अपने काम करने चाहिए, उसी से शांति मिलती है, उसी से लाभ मिलता है, उसी से जीविका चलती है। जैसे कहा गया है, क्योंकि बिना किसी प्रकार की चेष्टा किए अजगर की जीविका चलती है, वैसे ही निवृत्ति प्राण पुरुष की निवृत्ति ही उसकी जीविका का निर्वहन कर देती है। कुल मिला के यहाँ पे भागवत कहती है कि देखिए, आपको देने की व्यवस्था परमपिता परमेश्वर ने कर ली है, लेकिन आप यह कर्म प्रधान स्थान में आए हैं तो आपको कर्म तो करना ही है। अगर आप कर्म नहीं कर रहे तो भी आप कर्म कर रहे हैं, तो उस कर्म को आप करिएगा, लेकिन निमित्त मान के ईश्वर का निमित्त मान के। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, कहीं कोई सेवा करते हैं, तो आप ये मत सोचिए किसी व्यक्ति विशेष की सेवा कर रहे हैं, व्यक्ति विशेष के जॉब कर रहे हैं। आप जॉब और सेवा जो कर रहे हैं वो परमपिता परमेश्वर के निमित्त मान के कीजिए, जो हर समय आपको देख रहा है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो भी उस परमपिता परमेश्वर को साक्षी मान के कीजिए, वो हर रूप में आपको देख रहा है। अगर आप रक्षण कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, क्षत्रिय धर्म निभा रहे हैं, तब भी देखिएगा मेन वही परमपिता परमेश्वर है, मुख्य वही परमपिता परमेश्वर है जिसकी सेवा में हम सब लगे हुए हैं। तब हम अपने छल अपने काम में छल या कपट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें साफ दिख रहा है कि वह लाख तालों में और घोर अंधेरे में भी हमें देख सकता है। अब आगे कहते हैं, जो सुख अपनी आत्मा में रमण करने वाले निष्क्रिय संतोषी पुरुष को मिलता है, वह उस मनुष्य को कैसे मिल सकता है जो कामना और लोभ से धन के लिए हाय हाय करता हुआ इधर उधर दौड़ता फिरता है। जैसे पैरों में जूता पहनकर चलने वाले को कंकड़ और कांटों में कोई डर नहीं होता, वैसे ही जिसके मन में संतोष है उसके लिए सर्वदा ही सब कुछ सब जगह सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। यहाँ पर एक सूत्र देते हैं, सदा संतुष्ट मन से सर्वा सुखमया दिशे शंकराकंटकाद्यभ्यो यथोपानत पयशिवम। यहाँ पे ये कह रहे हैं, संतुष्ट केन वा राजन्य वर्ततापि वर्णा उपस्थ जयम कार्यपद गृह पालयते जने। यानी कि आप जो भी काम करते हैं संतुष्ट होकर करिए, अपना जीवन निर्वाह की जीवन निर्वाह में आप देखिएगा, जीवन निर्वाह में आप रसेंद्रिय जनेन्द्रिय के फेर में ना पड़े, वरना फिर क्या होगा कि घर की चौकसी करने वाले कुत्ते के समान आपकी स्थिति हो जाएगी। मतलब आप आज गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, कल बड़ी गाड़ी हो, परसों को ये हो, आज मैंने ये खा लिया, कल को और अच्छा खा लें, परसों को और खा लें, अब तो दो टू स्टार होटल में खाया, थ्री स्टार में खा लें, फाइव स्टार में खा लें, और उसके बाद क्या है कि आज ये मतलब ये सुंदर साथी है, इसके साथ रहने, कल को कोई और है, परसों कोई और है, इस तरह से जनेन्द्रिय और रसेंद्रिय के फेर में जो पड़ता है उसकी स्थिति कुत्ते के समान हो जाती है, और अंत तक वो भटकता ही रहता है। जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है, जो व्यक्ति संतोषी नहीं है इंद्रियों की लोलुपता के कारण, उसका तेज विद्या तपस्या और यश धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं, और वह विवेक खो बैठता है। भूख और प्यास मिट जाने पर खाने पीने की कामना का अंत हो जाता है, क्रोध भी अपना काम पूरा करके शांत हो जाता है। परंतु यदि मनुष्य पृथ्वी की समस्त दिशाओं को जीत भी ले और भोग भी ले तब भी लोभ का अंत नहीं होता। देखिएगा, आपको भूख लगी, आपने खाना खा लिया, पेट भर गया, प्यास लगी, जल पी लिया, अंत हो गया कामना का। क्रोध भी एक बार आपने जो क्रोध किया शांत हो गए, बाद में पश्चाताप पे अंत हो जाता है। परंतु एक पाप जो आपको ले डूबता है वो होता है लोभ। लोभ एक ऐसी चीज़ है कि पृथ्वी की समस्त दिशाओं को अगर आप जीत लेंगे और भोग लेंगे तब भी आपका अंत नहीं होगा। आप साक्षात बस आप तो आपके मन में तो लोभ बढ़ता ही जाएगा। आप पिछले कई राजाओं को देखो और शक्तिशाली लोगों को देखो, क्या किया, वो भगवान बनने की इच्छा हो गई थी उनकी। जैसे हिरणाक्ष हो गए, हिरणाकश्यप हो गए, रावण हो गए, और भी धर्मों में बहुत बहुत राजा अलग अलग आते हैं और अंत में उनका
बड़े तड़फन के साथ अंत हुआ। जैसे मान लो कोई लोभी हो और लोभी को कभी जल में डूबना पड़ जाए तो वो धन नहीं छोड़ता, उससे कहो कि लाला जी आप जो धन की पुटलियाँ छोड़ दो, वजन कम हो जाएगा, आप बाहर आ जाओ निकाल के, वो धन नहीं छोड़ेगा, उसके साथ डूब जाएगा। वही हम लोगों का लोभी लोगों का काम होता है। तो सारे पापों में, सारी दुष्प्रवृत्तियों में सबसे बड़ी दुष्प्रवृत्ति जो है वो भागवत कथा कहती है, भागवत महापुराण कहती है, सप्तम अध्याय के 25वें अध्याय, सप्तम स्कंद के 25वें अध्याय में, कि कामस्यांतम च क्षत्रं भयम् क्रोधस्य त फलोदयात् जनो यति ने लोभस्य जीवित्वा भुक्त्वा दिशो भवे। सभी कामनाओं का अंत हो सकता है, भूख प्यास का अंत हो सकता है, क्रोध का अंत हो सकता है, लेकिन अगर आप लोभी हो गए हैं तब आप अगर सारी पृथ्वी को भी जीत लें और भोग लें तब भी अंत नहीं होता। अनेक विषयों के ज्ञाता शंकाओं का समाधान करके चित्त में इस शास्त्रों को बैठा देने वाले और विद्वान सभाओं के सभापति, बड़े बड़े विद्वान भी असंतोष के कारण गिन जाते हैं, गिर जाते हैं। असंतोष यानी कि वही लोभ ही होता है। लोभ के कारण क्या होगा? असंतोष होगा। क्यों होगा असंतोष? क्योंकि आपको तो संतोष मिल ही नहीं रहा, आपको तो आप पहले आपको एक शहर का राजा बनाया, आप फिर राज्य का राजा बनना चाहते हैं, आप फिर देश का राजा बनना चाहते हैं, और फिर आप पूरे संसार का राजा बनना चाहते हैं, फिर आप ब्रह्मांड का राजा बना, फिर भगवान का भी राजा बनना चाहते हैं। आप भगवान को भी जब तक पूछते हैं जब तक मतलब होता है, भगवान की पूजा आपको लगने लगता नहीं है, भगवान आपके किसी योग्य नहीं रहा, तो आप भगवान को भी दुत्कारने से पास नहीं आते। यही कारण होता है बड़े बड़े विद्वान भी असंतोष के कारण गिर जाते हैं। धर्मराज, संकल्पों के परित्याग से कामना को, कामनाओं के त्याग से क्रोध को, और संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं उसे अनर्थ समझकर लोभ को, और तत्व के विचार से भय को जीत लेना चाहिए। क्या कहते हैं? संकल्प त्यजेत कामं क्रोधं काम विवर्जितनात् अर्थं क्षेत्रक्ष्या लोभं भयं तत्वावमर्शनात्। तो हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले संकल्पों को त्याग दें। काम, आपका कामनाएं खत्म हो जाएंगी, काम खत्म हो जाएगा, और जैसे ही आप कामनाओं को त्यागोगे तो आपका क्रोध खत्म हो जाएगा। क्रोध कब होता है? जब आपकी कामनाएं पूरी नहीं होती। और जिसे आप अर्थ कहते हो उसे अनर्थ समझ लो, फिर कुछ नहीं, ये तो निमित्त है, भगवान की सेवा में जो करना करते रहो तो ठीक है। तो आपका भय खत्म हो जाएगा, लोभ खत्म हो जाएगा, और आत्मविद्या से शोक और मोह पर संताप। की आत्मविद्या क्या? अरे मैं अमर हूँ, मेरे परमपिता परमेश्वर अमर हैं, ये शरीर लिया है ठीक है, जब तक इसका उपयोग करना है भगवान की भक्ति में करें, सेवा में करें, उसके बाद दूसरा शरीर मिल जाएगा, तो हम अजर अमर हैं, हमें तो काहे की टेंशन है। करोड़ों वर्षों से शरीर बदल बदल के आ रहे हैं, आप आगे भी शरीर बदल के जाते रहेंगे और अपने अपने काम करते रहेंगे, लोगों को जगाते रहेंगे। संतों की उपासना से दंभ पर, अब आप जब संतों की उपासना करते हैं तो आपका दंभ खत्म हो जाता है, अहंकार खत्म हो जाता है। जब आप एक बाबा है, महात्मा है, उसके पैर धोते हैं, उसकी सेवा करते हैं, भोजन कराते हैं, हाथ जोड़ के बैठते हैं, और जिसका कुछ नहीं है, जिसके पास संपत्ति नहीं, कुछ नहीं, तो आपका दम अहंकार खत्म होता है। लेकिन अगर आप इसलिए जाते हैं, इस बाबा में तो बहुत भीड़ है, और इस बाबा के मैं पैर छूंगा, इसे दान करूंगा, भीड़ देखेगी कि मैं इसका तो बड़ा भक्त हूं, और ये भीड़ मेरे पास आएगी, मेरे जो दुकान है उस दुकान से सामान खरीद लेगी, तो लालच हो गया, तो फिर तो आप एक तरह से उसमें भी छल कर रहे हैं, बहुत बुरा हाल होगा आपका, ध्यान रखिएगा। आगे चलिएगा, आगे कहते हैं, मौन के द्वारा योग के विघ्नों पर और शरीर प्राण आदि को निश्चेष्ट करके हिंसा पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। अधिभौतिक दुख को दया के द्वारा, अधिदैविक वेदना को समाधि के द्वारा, और आध्यात्मिक दुख को योग बल एवं निंद्रा को सात्विक भोजन स्थान संग आदि के सेवन से जीत लेना चाहिए। निंद्रा को जीतने की क्या विधि है? सात्विक भोजन करें, स्थान आपका सही हो, संग भी आपका सही हो, और जो आप थोड़ा सा सात्विक जब सेवन करते हैं तो धीरे धीरे आपकी निंद्रा पर भी आपका, और योग बल, जो आपका योग बल है उसके द्वारा आपका नियंत्रण हो जाता है। सत्वयुग, सत्वगुण के द्वारा रजोगुण, तमोगुण पर और उत्पत्ति के द्वारा सत्वगुण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। श्री गुरुदेव की भक्ति द्वारा साधक इन सभी दोषों पर सुगमता से विजय प्राप्त कर सकता है।
अब सबसे बड़ी बात है कि फिर आप कुछ मत करो, अपने भगवान को, भगवान शंकर को, आदिशंकर भगवान को गुरु मानो और उनकी भक्ति करते रहो, तो आपका सब कुछ, सारे दोष धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाले गुरुदेव साक्षात भगवान ही हैं। जो दुर्बुद्धि पुरुष हैं उन्हें मनुष्य समझता है। उनका समस्त शास्त्र श्रवण हाथों के स्नान के समान व्यर्थ है। यहाँ पर एक बार फिर बात ध्यान से सुनिएगा, वो कहना चाहते हैं, हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाले गुरुदेव साक्षात भगवान ही हैं। जो दुर्बुद्धि पुरुष उन्हें मनुष्य समझता है, उसका समस्त शास्त्र श्रवण हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि अगर मान लो भगवान, अगर आपका गुरु है तो गुरु भगवान है, उसको आप फिर इंसान समझने की गलती मत करिएगा। बड़े बड़े योगेश्वर जिनके चरण कमलों का अनुसंधान करते रहते हैं, प्रकृति और पुरुष के अधीश्वर वे स्वयं भगवान ही श्री गुरुदेव के रूप में प्रकट हैं। इन्हें लोग भ्रम से मनुष्य समझते हैं। जब भी आपके पास कोई गुरु आए, उनमें आपकी श्रद्धा हो, तो समझिएगा परमपिता परमेश्वर ही प्रकट होकर आपको सारी जानकारी वहाँ से दे रहे हैं। मनुष्य मानने की गलती मत कीजिए, साक्षात भगवान शंकर हैं। शास्त्रों में जितने भी नियम संबंधी आदेश हैं, उनका एकमात्र तात्पर्य यह है कि काम, क्रोध और लोभ, मोह और मद और मत्सर, इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए, अथवा 5 इंद्रिय और मन, ये 6 बस में हो जाएं। ऐसा होने पर भी यदि उन नियमों द्वारा भगवान के ध्यान, चिंतन आदि की प्राप्ति नहीं होती, तो केवल श्रम ही श्रम समझना चाहिए। जैसे खेती, व्यापार आदि और उनके फल भी योग साधन के फल भगवत प्राप्ति या मुक्ति को नहीं दे सकते, वैसे ही दुष्ट पुरुष के श्रोत स्मात कर्म भी कल्याणकारी नहीं होते, प्रत्युत उल्टा फल देते हैं। देखिएगा यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे कि आप, अगर कोई दुष्ट आदमी है, वो हवन करता है, पूजन करता है और दुष्टाई कर रहा है और वो बहुत दान दक्षिणा कर रहा है, तो उसके लिए वो कल्याणकारी नहीं होगा, उल्टा ही फल देगा, वो उसे समय पे पता चलेगा। जो पुरुष अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए उद्यत हो, वह आसक्ति और परिग्रह का त्याग करके संन्यास ग्रहण करे, एकांत में अकेला रहे और भिक्षा वृत्ति से शरीर निर्वाह मात्र के लिए स्वल्प और परिमित भोजन करें, ये उन लोगों के लिए है जो पूरे, जिन्होंने अपनी गृहस्थी और सबसे वो जो है मतलब उनका अच्युत हो गए हैं और उन्होंने गृहस्थी का पालन कर लिया, अब उनका जो है सब कुछ हो गया, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, अब वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, उनके पोते पोती हो गए, वो सब अपना काम कर रहे हैं, अब अपना कोई काम नहीं रहा, उनके लिए ये आदेश दिया गया है। उनको ये भी समझाया गया है कि मन के संकल्प विकल्प को छोड़ दें, नसिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमा कर पूरक, कुंभक और रेचक द्वारा प्राण तथा अपान गति को रोकें। जैसे नाक है, नाक के भाग पर अब ध्यान कर लें, ये भी गीता में कहा, ऐसे जो नाक है, नाक की नोक को दोनों आंखों से देखें, ऐसे सांस खींचे, अंदर रोकें, ऐसे निकालें और धीरे धीरे सांस पर ध्यान दें और आंख पर ध्यान देते रहें और धीरे 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 आंख मूंद लें, आप ध्यान की स्थिति में चले जाएंगे। ये सब चीज़ें उन्होंने जी कहते हैं पूर्व जन्म के पहले के महाकल्प में मैं एक गंधर्व था, मेरा नाम था उपब्रह्मण और गंधर्वों में मेरा बड़ा सम्मान था। मेरी सुंदरता, सकुमारता और मधुरता अपूर्ण थी। मेरे शरीर में सुगंधी निकला करती थी और देखने में भी मैं बहुत अच्छा लगता था। स्त्रियां मुझसे बहुत प्रेम करती थीं और मैं सदा प्रमाद में रहता था। मैं अत्यंत विलासी था। एक बार देवताओं के यहाँ ज्ञान सत्र हुआ, उसमें बड़े बड़े प्रजापति आए भगवान की लीला का गान करने के लिए। उन लोगों ने गंधर्व और अप्सराओं को बुलाया। मैं जानता था कि वह संतों का समाज है और वहाँ भगवान की लीला का ज्ञान होता है, फिर भी मैं स्त्रियों के साथ लौकिक गीतों को गाता हुआ उन्मत्त वहाँ जा पहुँचा। देवताओं ने देखा कि यह तो हम लोगों का अनादर कर रहा है, तो उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे शाप दिया कि तुमने हम लोगों की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारी सारी सौंदर्य संपत्ति नष्ट हो जाए और तुम शीघ्र ही शूद्र हो जाओ। उनके साप से मैं दासी का पुत्र हुआ, किंतु शूद्र जीवन में किए हुए महात्माओं के सत्संग और सेवा शुश्रुता के प्रभाव से मैं दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। संतों की अवहेलना और सेवा का यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। संत सेवा से ही भगवान प्राप्त होते हैं। मैंने तुम्हें गृहस्थों का
पापनाशक धर्म बतला दिया। इस धर्म के आचरण से ग्रस्त भी अनायास ही सन्यासियों को मिलने वाला परमपद प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर नारद जी कहते हैं कि अगर भैया आप भक्ति नहीं कर पा रहे हो, आप जप तप नहीं कर पा रहे हो, ग्रस्त में फंसे हुए हो, तो जो जप तप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनकी आप सेवा कर लो, आपको वो लाभ मिल जाएगा और आपका भी उद्धार हो जाएगा। यहाँ पर नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भाग्य तो अत्यंत प्रशंसनीय है, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात परमपिता परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास करते हैं। इसी से सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि बार बार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं। बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते रहते हैं, जो माया के लेश से रहित परम शांत परमा आनंद अनुभव स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा है, वे तुम्हारे प्रिय हितैषी मेरे भाई पूज्य आज्ञाकारी गुरु और स्वयं आत्मा श्री कृष्ण हैं, और सभी के मन में श्री कृष्ण रहते हैं, हृदय में रहते हैं, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आप युधिष्ठिर की तरह धर्म का पालन करते हैं तो आपके हृदय में वो परमपिता परमेश्वर सदैव निवास करेंगे, और लोग आपके यहाँ दर्शन को उन परमपिता परमेश्वर के दर्शन को आएंगे। आप सोचोगे, लोग कहेंगे, अरे भैया आपके दर्शन को आ रहे हैं, आपके दर्शन को नहीं आ रहे, आपके हृदय में जो परमात्मा स्थिर हो गया है उसके दर्शन को आते रहते हैं। शंकर ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर ये वह है, इस स्वरूप में उनका वर्णन नहीं कर सकते, फिर हम तो क्या कर सकते हैं। हम मौन भक्ति और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। कृपया हे परमपिता परमेश्वर, हमारी पूजा स्वीकार करके भक्त वत्सल भगवान हम पर प्रसन्न हो जाओ। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, देवर्षि नारद का यह प्रवचन सुनकर राजा युधिष्ठिर को अत्यंत आनंद हुआ। उन्होंने प्रेम विहल होकर देवर्षि नारद और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। आइए हम सब भी मन ही मन उन परमपिता परमेश्वर की पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, और एक ही आज की भागवत कथा से जो हमें सूत्र मिला है, संतों की सेवा ढोंगियों की नहीं, संतों की सेवा जो जप तप करते हैं से हम वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो जप और तप से संतों को मिलता उनकी कृपा से। दूसरा, मौन भक्ति और संयम, मौन भक्ति और संयम और लोभ से दूर हम रहें तो हमारे हम पर भगवान प्रसन्न होंगे, ये हमें आशा है। और हम मन ही मन उनका, जब हम प्रेम भाव से उनकी पूजा करें तो क्यों प्रसन्न नहीं हों, हर समय उनका मन में धारण करें। जैसे युधिष्ठिर के परिवार में युधिष्ठिर के साथ भगवान श्री कृष्ण रहते थे, उसी तरह अपने आप को धर्म में बनाइए और अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण परमपिता परमेश्वर को जिस रूप में भी आप चाहते हैं उस रूप में रखिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे।